गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग इन क्वेश्चन नंबर 6. सो इन दिस क्वेश्चन कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शन. यहाँ पे जो भी परसेंट दिया है उसको डेसिमल फ्रैक्शन में फाइंड करना है. एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी उसको फाइंड करना है. सो यहाँ आप बॉक्स बना के भी लिख सकते हो या सीधा भी लिख सकते हो. सो फ्रैक्शन में फाइंड करने के लिए हमेशा डिवाइड बाय 100 करने होंगे. परसेंटेज जब भी रिमूव करने हैं डिवाइड बाय 100 करेंगे. सो सी हियर, परसेंट है यहाँ पे हमारे पास और फ्रैक्शन फॉर्म के लिए क्या करेंगे, जो हर एक में डिवाइड बाय 100. सो सी हियर, 25 मीन्स 25 अपन 100, 150 मीन्स 150 अपन 100, 20 मीन्स 20 अपन 100, 5 मीन्स 5 अपन 100. 100 से डिवाइड करेंगे परसेंटेज यहाँ पे रिमूव हो जाएगा. देन फ्रैक्शन से डायरेक्ट मैं आपको डेसिमल फॉर्म पहले समझा दूँ. सो 25 डिवाइड बाय 100, जब भी 100 से डिवाइड करेंगे सो पॉइंट के पीछे 2 नंबर रहेंगे, ये आपको पता है. सो 25 डिवाइड बाय 100 मीन्स 0.25. 150 डिवाइड बाय 100, 0.0 इज कट. सो 15 डिवाइड बाय 10, 1.5. 20 डिवाइड बाय 100, 0.0 कट. सो 0.0 कट हो जाएगा. 2 अपन 10 मीन 0.2. देन 5 डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100 होगा तो पॉइंट के पीछे 2 नंबर हो गए. सो 0.05 इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस. ओके, सो डेसिमल फॉर्म में आपको सिर्फ पॉइंट में ही लिखने हैं. सो 25 अपन 100, 0.25. 150 अपन 100, 0.0 कट. सो अवर आंसर 1.5. 20 अपन 100, 0.0 कट. अवर आंसर इज 0.2. 5 अपन 100 डिवाइड बाय 100 है, पॉइंट के पीछे 2 नंबर, तो 5 की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए. सो 0.05 हम लिख सकते हैं. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू सिंपलेस्ट फॉर्म. सो 25 के टेबल में 100 आता है. सो यू नो 25 फॉर जा 100. सो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा, 1 अपन 4 एज इट इज. 0.0 कट. 5 3 जा 15, 5 2 जा 10. 15 की जगह क्या होगा, 5 3 जा 15 एंड 10 की जगह 5 2 जा 10. 5 5 इज कट. आंसर इज 3 अपन 2. इज इट क्लियर. तो आपको ये डायरेक्ट आंसर लिखना है, मेथड रफ में आप कर सकते हो, ये मेथड जो मैंने की रफ में कर सकते हो आप. देन 0.0 कट या तो 25 जा 100, वी नो दैट 25 जा 100 ऊपर कुछ नहीं है मीन्स 1. सो आंसर इज 1 अपन 5. इज इट क्लियर. नाउ 5 के टेबल में 100, 25 जा 100, सो 5 से 20 जा. सो आवर आंसर इज 1 अपन 20 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. सो क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट सबको पता चल गया होगा. सो ऐसे आपको बॉक्स ड्रॉ करके आप ऐसे लिख सकते हो या अलग अलग भी लिखना हो, हर एक के क्वेश्चन अलग अलग आप लिख सकते हो. ये जितने भी है 1 बाय 1 आप लिख सकते हो. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7, इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स. टोटल 100% में से 30% फीमेल्स है, 40% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन. सो व्हाट परसेंटेज आर चिल्ड्रन. तो क्वेश्चन देख के भी आपको पता चल सकता है 30% फीमेल है, 40% मेल, मतलब टोटल 70% हो गए. तो बचे कितने 100 में से, 100 माइनस 70 मीन्स 30% जो बचे दे आर चिल्ड्रन. और हमको ये लिखनी होगी मेथड. सो परसेंटेज ऑफ फीमेल्स 30% इज हियर, परसेंटेज ऑफ मेल 40%, टोटल परसेंटेज ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स 30 प्लस 40 70%. टोटल परसेंटेज ऑफ फीमेल एंड मेल, तो ये दोनों का सम करेंगे कितने हुए 70%. देयरफॉर वी वांट टू फाइंड परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन. चिल्ड्रन के परसेंटेज फाइंड करने हैं. सो टोटल परसेंटेज माइनस परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल. सो टोटल परसेंटेज हमेशा कितने होते हैं 100% माइनस ये दोनों का सम 70% इज इक्वल टू 30%. सो आवर आंसर इज हैंस 30% आर चिल्ड्रन, हैंस 30% आर चिल्ड्रन. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 8, आउट ऑफ 15,000 वाटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी 15,000 वाटर्स है, 16% ने वाट डाला है. सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर्स हु डिड नॉट वाट. जितने नहीं डाले वाट वो पहले फाइंड करेंगे. सो टोटल वाटर्स आर 100%, टोटल वाटर्स कितने हैं 100%, 60% ने वाट डाला है तो ये माइनस करेंगे तो 40% जो हो गए उन्होंने वाट नहीं डाला, वो डिड नॉट वाट आर 40%. तो पहले हमको स्टेप बाय स्टेप ये फाइंड करना होगा. सो टोटल वाटर्स 15,000
percentage of what 60%. Therefore, who did not vote? So percentage of not vote 100 minus 60, 100 total है, total में से 60 को माइनस करेंगे, सो कितनों ने वोट नहीं डाला, 40% ने वोट नहीं डाला. सो नाउ एक्चुअल कैंडिडेट्स हु डिड नॉट वोट, तो टोटल 15,000 के 40%. सो आवर आंसर इज 40% ऑफ 15,000, कितनों ने वोट नहीं डाला, सो 40% ऑफ 15,000. सो 40 अपन 100 मल्टीप्लाई 15,000, जब भी परसेंटेज रिमूव करना हो 100 से डिवाइड करते हैं. सो 40% ऑफ 15,000 इज इक्वल टू 40 अपन 100 मल्टीप्लाई 15,000. नाउ 00 इज कट, सो 4 15 जा 60, 15 4 जा 60 एंड डबल 0 6,000. सो वी कैन से दैट 6,000 कैंडिडेट्स डिड नॉट वॉट. सो आपको ऐसे प्रॉपर मेथड से आपको ये पूरा एग्जांपल लिखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मीता सेव्स रुपीज 400 फ्रॉम हर सैलरी. मीता अपनी सैलरी में से 400 रुपीज बचाती है. इट इज 10% ऑफ हर सैलरी. उसकी सैलरी हमको पता नहीं है, तो उसकी सैलरी के 10% वो सेव करती है. व्हाट इज हर सैलरी? सो वी मस्ट फाइंड इट्स सैलरी. वी मस्ट फाइंड हर सैलरी, उसकी सैलरी फाइंड करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट नो अबाउट हर सैलरी. सो सपोज करना पड़ेगा मीता सैलरी भी एक्स रुपीज. सो लेट मीता सैलरी भी एक्स. सैलरी क्या है? एक्स रुपीज इज हर सैलरी. सो सेविंग क्या है? 10% ऑफ हर सैलरी. तो एक्स रुपीज के 10% वो सैलरी के सेव करती है. सो 10% ऑफ सैलरी मतलब उसका सेविंग है 10% ऑफ सैलरी इज इक्वल टू 400. 400 यहाँ पे दिया है. मीता सेव्स रुपीज 400. 400 हमको दिया हुआ है, तो 400 उसकी सेविंग है. दूसरी साइड देखिए तो वो अपनी सैलरी के 10% है, तो उसकी सैलरी हमने क्या ली? एक्स. एक्स के 10% 400 हुई क्वेश्चन के रिगार्डिंग. देयरफॉर 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 400. सो 10% ऑफ एक्स जब फाइंड करने होंगे हमको, तो मैंने आपको पहले सिखाया ऐसा फाइंड करना हो तो दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100. तो कितना सेविंग है? 400. 00 इज कट, 10 यहाँ पे जाएगा. देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 10 4,000 रुपीज. 100 ऊपर गए, 10 नीचे गए. 00 कट, 410 जा 4,000 रुपीज. हैंस मीतास सैलरी इज 4,000 रुपीज. क्लियर दिस? यहाँ मीता है, आप इम्प्रूव कर लेना मिस्टेक. देन क्वेश्चन नंबर 10 इज अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सीजन. एक सीजन में लोकल क्रिकेट टीम ने 20 मैचेस खेली है. इट वॉन 25% ऑफ देम. 20 मैचेस में से 25% जीती है. सो हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन? उन्होंने कितनी जीती होगी? तो पहले तो लिखेंगे टोटल मैच कितनी खेले. सो नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय क्रिकेट टीम 20 मैचेस. विनिंग परसेंटेज क्या है? 25%. सो 25% 20 मैचेस के फाइंड करने हो गए. देयरफॉर टोटल मैचेस वॉन बाय 10 25% कितने के? 20 मैचेस के. तो 25% ऑफ 20. सो दोनों का मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 100. 25 फोर जा 100 एंड 4 फाइव जा 20. सो दे वॉन 5 मैचेस. सो 5 मैचेस उन्होंने जीती होगी. सो स्टूडेंट्स आपको ये जितने भी एग्जांपल मैंने समझाए अच्छे से समझ के लिखने हैं. मैं हर बार बोल रहा हूँ किसी को भी डाउट हो तो मुझे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हो. आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू एट कन्वीनियंट टाइम, पर आपको ये एग्जाम्पल आने चाहिए. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू.